अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रोग्राम को सेव कैसे करना है, प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करना है और रन कैसे करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप सुनिए प्रोग्राम को आप सेव कैसे करेंगे। सुमित, क्लास सिंगल क्लास है, क्लास लाइब्रेरी क्लासेस का कलेक्शन है और ये क्लासेस का कलेक्शन पैकेज में रहता है। एक सिंगल क्लास इंडिविजुअल क्लास है, इनका पूरा सेट लाइब्रेरी है। हाँ, जब जार लोगों, जब आप दूसरों को डिलीवर करते हैं तो जार डिलीवर करते हैं, वो आप आगे सीखेंगे। जब अपने प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप उसे डिलीवर करेंगे अपने कस्टमर को तो जार के फॉर्म में डिलीवर करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़िए, फिलहाल अगला टॉपिक लेते हैं, सेविंग द प्रोग्राम। अब आपने प्रोग्राम लिख तो लिया है, अब आपको अपने इस प्रोग्राम को सेव करना है। ठीक, अब गौर से सुनिए प्रोग्राम सेव कैसे करा जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करने के जावा में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। सब लोग ध्यान से बात सुनेंगे मेरी, जावा में प्रोग्राम को आप दो जगहों पर सेव कर सकते हैं। कहां कहां? एक तरीका है आप प्रोग्राम को सेव करें जावा के बिन फोल्डर के अंदर। क्या आपने बिन फोल्डर देखा है? जब मैंने जावा इंस्टॉल करी थी तो आपको बिन फोल्डर दिखाया था। तो एक तरीका है आप बिन में प्रोग्राम को सेव करें, और दूसरा तरीका है आप इस प्रोग्राम को कहीं पे भी सेव कर लें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। ठीक है, कहीं पे भी, मेरा मतलब सी ड्राइव डी ड्राइव, कहीं पे भी सेव कर लें। अब आपको लगेगा सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो याद रखिएगा जब आप बिन में प्रोग्राम सेव करेंगे, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए। जब आप प्रोग्राम को बिन में सेव करेंगे तो प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम को कहीं और सेव करेंगे तो प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले एक सेटिंग करनी पड़ती है जावा में, जिसे शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, हमें जावा का पाथ सेट करना पड़ता है। क्या आपने ये वर्ड लोगों को कहते हुए सुना है कि जावा में पाथ सेट करा जाता है? ठीक है, लेकिन लोग अधूरी जानकारी रखते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो मुझे बोलते हैं जावा में पाथ सेट करे बिना प्रोग्राम नहीं चलता। ये बिल्कुल गलत बात है, जावा में पाथ सेट करे बिना प्रोग्राम चलता है, प्रोवाइडेड आप प्रोग्राम को सेव करें बिन में। और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो अभी मत सोचिएगा सर ये पाथ सेट करना क्या होता है, आप अभी बस इतना मान लीजिए अपने कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल करने के बाद आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है और उस सेटिंग को बोलते हैं पाथ सेट करना, और हमने वो सेटिंग नहीं की है। मैंने जानबूझ के आपको वो सेटिंग नहीं करवाई है, क्योंकि आप इस गलतफहमी में ना आ जाएं कि बिना इस सेटिंग को करे हुए प्रोग्राम नहीं चलता। वो सेटिंग करनी पड़ती है जब प्रोग्राम बिन के बाहर सेव करा जाए। अगर प्रोग्राम बिन में सेव करा जाता है तो हमें इस पाथ नाम की सेटिंग को करने की जरूरत नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जल्दी बताइए, समझ आ रहा है? तो आप दूसरों की तरह ये गलतफहमी में नहीं रहना कि जावा में पाथ सेट करना जरूरी है। जावा में पाथ सेट करते हैं पर तब जब प्रोग्राम को नहीं सेव कर रहे हो हम बिन में। और ये मैं किसके बिन की बात कर रहा हूं, ये भी याद है आपको, जेडीके का बिन। जेडीके के अंदर आपको बिन नाम का फोल्डर मिलता है, अगर आप प्रोग्राम उस बिन में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पाथ वाथ सेट करे बगैर। लेकिन अगर उस बिन में नहीं डालेंगे, आपने प्रोग्राम को डी ड्राइव में सेव कर दिया, पेन ड्राइव में सेव कर दिया, तो प्रोग्राम सेव तो हो जाएगा, कंपाइल नहीं होगा, रन नहीं होगा जब तक हम लोग सेट ना करें पाथ। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? समझ में आई ये बात? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अपने प्रोग्राम को आप सेव कैसे करेंगे। ठीक है, सेव करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो जावा में प्रोग्राम को सेव करते वक्त और कंपाइल करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना होता है वो सुन लीजिए गौर से। जावा में प्रोग्राम को जब आप सेव करेंगे तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जो आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है वो हर हाल में होना चाहिए .java। जब भी प्रोग्राम सेव होगा जो एक्सटेंशन होगा वो हर हाल में होना चाहिए .java।
एक्सटेंशन मस्ट कंपल्सरीली बी डॉट जावा, राइट? आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन हर हाल में आपको डॉट जावा देना पड़ेगा। अगर आपने डॉट जावा के अलावा किसी भी नाम से सेव करा, कंपाइलर प्रोग्राम कंपाइल करने से मना कर देगा। तो याद करके बताइए, सी के प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? सी के प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? सभी लोग चैट में टाइप करें, डॉट सी। सी प्लस प्लस का? सी प्लस प्लस का डॉट सीपीपी। ऐसे जावा का होना चाहिए डॉट जावा। अगर ये नहीं हुआ तो कोड कंपाइल नहीं होगा। अब आती है एक बड़ी गलतफहमी जो आप में से कुछ लोगों को जरूर होगी। 90% बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमने तो ये भी सुना है कि जावा में जब प्रोग्राम सेव करते हैं तो प्रोग्राम का नाम और क्लास का नाम सेम रखना चाहिए। बताइए, ये आपने सुना है? किसी को कभी ये कहते हुए सुना है आपने? थोड़ा बहुत अगर आपने जावा के बारे में पढ़ा होगा और आधी अधूरी नॉलेज की ली होगी तो आपने ये सुना होगा। अब इस गलतफहमी को भी मैं दूर कर रहा हूं। जावा में प्रोग्राम का नाम क्लास के नाम के जैसा हो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। जावा कहती है आप जिस नाम से प्रोग्राम को सेव करना चाहे कर दें, बट अधिकतर केसेस में लोग प्रोग्राम का नाम क्लास के नाम पे रखते हैं। अधिकतर केसेस में लोग प्रोग्राम का नाम क्लास के नाम पे रखते हैं सिर्फ एक लालच के कारण। कौन सा लालच, कौन सा फायदा, वो आपको अभी 10 मिनट में नजर आएगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। सुनो अमर, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अधिकतर लोग ऐसा करना पसंद करते हैं। कैसा करना? प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखते हैं, राइट? लेकिन जावा कहती है ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। आपकी मर्जी है आप दोनों का नाम सेम रखो, आपकी मर्जी है आप दोनों का नाम अलग रखो। मैं अभी 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम रखने से बेनिफिट क्या होता है। बस उस बेनिफिट के कारण लोग ये नाम सेम रखते हैं, जावा इसको कंपल्सरी नहीं मानती। अमन, समझ आई बात आपको मेरी? आधी बात समझ में आई? ठीक, अब इसका बेनिफिट क्या है उसके लिए 10 मिनट इंतजार कीजिए। तो सेकंड पॉइंट है, नेम कैन बी एनीथिंग, नेम ऑफ द प्रोग्राम कैन बी एनीथिंग। हाउएवर मैक्सिमम प्रोग्रामर्स प्रेफरेबली गिव द सेम नेम टू देयर प्रोग्राम एज द नेम ऑफ द क्लास। दोनों पॉइंट क्लियर हुए? राइट, अगर क्लियर हुए तो मुझे बताइए। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, बताइए इस प्रोग्राम को हम कहां सेव करेंगे और किस नाम से करेंगे? क्या समझ में आ रहा है आपको? ये प्रोग्राम हम लोग कहां सेव करेंगे और किस नाम से करेंगे? वेरी गुड, इनिशियली हम लोग बिन में सेव करेंगे। तो ये प्रोग्राम बिन फोल्डर के अंदर जाएगा और हम लोग फिलहाल इस प्रोग्राम का नाम रखेंगे test.java। याद रखिएगा, हम लोग फिलहाल इसका नाम रखेंगे test.java। जरूरी है कि ये बिन में सेव हो? क्या जरूरी है कि ये बिन में सेव हो? कतई जरूरी नहीं है, हम इसे कहीं और भी सेव कर सकते थे, लेकिन फिर पाथ नाम की चीज सेट करनी पड़ती। अगर वो नहीं करनी है तो हम इसको बिन में सेव करें। नंबर टू, जरूरी है नाम टेस्टियो? क्या जरूरी है नाम टेस्टियो? नहीं, मैं टेस्ट की जगह इसका नाम sachin.java भी रख सकता हूं, मैं इसका नाम bhopal.java भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थर्ड स्टेप में हमें थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बाकी नाम हम डिफरेंट भी रख सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या जरूरी है extension.java हो? क्या जरूरी है extension.java हो? 100% जरूरी है, इसमें कोई काट छाट, कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आपको डॉट जावा देना है तो देना है, नहीं तो कंपाइलर कोड एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ आया सबको? आगे बढ़ूं? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जावा में प्रोग्राम कंपाइल कैसे करते हैं? हाउ डू वी कंपाइल अ प्रोग्राम इन जावा? ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको 2 दिन पहले जब पढ़ाया था, जावा में प्रोग्रामिंग करने के 2 तरीके होते हैं, बिन में सर्वर नेम का भी फाइल है। कौन सा सर्वर है बेटा?
बिन के अंदर ही करना है। कौन से सर्वर पे पहुंच गए दीपक? सी ड्राइव। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में जावा, जावा में जेडीके, जेडीके के अंदर बिन। बस बिन में ही तो करना है, सर्वर में जाने को कौन कह रहा है आपसे? बिन के अंदर करना है, सर्वर में नहीं जाना है। तो जब मैं आपको जावा का इंट्रोडक्शन दे रहा था प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था प्रोग्रामिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है वाया नोटपैड, एक होता है वाया आईडी। आप बताइए हमने आईडी को प्रिफर क्यों नहीं करा है? आप बताइए हमने पहले दिन से आईडी यूज क्यों नहीं करी है? क्योंकि मैं आपको चाहता हूं आप जावा के कंपाइलेशन के हर स्टेप को प्रॉपरली समझें, और जावा के कंपाइलर के हर स्टेप को प्रॉपरली आप तभी समझ पाएंगे जब आप कंपाइलेशन की एक एक चीज को समझें। तो सबसे पहले सीखिए जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करने का सिंटेक्स क्या होता है। जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है आप जावा सी लिखेंगे। जावा सी कौन है? जावा सी कौन है? जावा के कंपाइलर का नाम है, राइट? और इसके बाद आप लिखेंगे आपके प्रोग्राम का पूरा नाम, याद रखिएगा एक्सटेंशन के साथ, ठीक है? याद रखिएगा एक्सटेंशन के साथ। तो बताइए हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? test.java। तो हम जब इसे कंपाइल करेंगे तो हम लोग बोलेंगे जावा सी test.java। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल करने का स्टाइल होगा। बताइए ये क्लियर हो रहा है पॉइंट सबको? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? ठीक, आप सुनिए इससे भी जरूरी बात जिसके लिए मैं आपको कंपाइल करने का पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं। आप सवाल है व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंपाइल अ जावा प्रोग्राम? क्या होता है जब हम किसी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं? ठीक है, जवाब ध्यान से सुनिए और पढ़िएगा। जवाब है व्हेनेवर वी कंपाइल अ जावा प्रोग्राम, क्या लगता है आपको? कंपाइलर मशीन कोड बनाता है? क्या लगता है आपको, जावा का कंपाइलर मशीन कोड बनाता है? नहीं, जावा का कंपाइलर बाइट कोड्स बनाता है। सो द कंपाइलर जेनरेट्स, द कंपाइलर जेनरेट्स बाइट कोड फॉर आवर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम को कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है? अब इस बाइट कोड की ये खासियतें होती हैं। फॉलोइंग आर स्पेशलिटीज ऑफ दीज बाइट कोड्स। ठीक, पहली खास बात, जावा का कंपाइलर जो आपके लिए बाइट कोड्स बनाता है वो उन्हें सेपरेट फाइल में रखता है। जावा का कंपाइलर जब आपके लिए बाइट कोड बनाता है तो वो उन्हें सेपरेट फाइल्स में रखता है जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है, जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है। आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या है? जल्दी बताइए, आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। ये आपके सोर्स कोड का एक्सटेंशन है, समझ रहे हैं, राइट? लेकिन कंपाइलर जो आपके लिए बाइट कोड बनाएगा उसका एक्सटेंशन डॉट जावा नहीं होगा, उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होगा। तो सबसे पहली बात जो बाइट कोड के बारे में आपको याद रखनी है, these byte codes are saved in a special file ya separate file, I should write like this, separate file which has the extension dot class। first point samajh aaya? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? तो जावा में कितने एक्सटेंशंस की फाइल्स बनती हैं? जावा में कितने एक्सटेंशंस की फाइल बनती हैं? दो, जो हम बनाते हैं डॉट जावा, और जो कंपाइलर जनरेट करता है वो होती हैं डॉट क्लास फाइल्स, ठीक है? सेकंड पॉइंट गौर से सुनिए, इन बाइट कोड फाइल्स का जो नाम होता है, इन बाइट कोड फाइल्स का जो नाम होता है वो आपकी क्लास के नाम पे होता है, प्रोग्राम के नाम पे नहीं।
क्लास के नाम पे। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए हमारी क्लास का नाम क्या है, फटाफट बताइए। हमारी क्लास का नाम हमने क्या रखा हुआ है? हमारी क्लास का नाम है टेस्ट। तो क्योंकि क्लास का नाम टेस्ट है तो जो बाइट कोड हमारे लिए बनेगा उसका नाम होगा टेस्ट डॉट क्लास। सौरभ टी कैपिटल होगा, उसका नाम पड़ेगा टेस्ट डॉट क्लास, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है, राइट? अब मुझे बताइए क्या इस प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा की जगह कुछ और हो सकता था? क्या इस प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा की जगह कुछ और हो सकता था? जैसे बताइए क्या यह संभव है कि इस प्रोग्राम का नाम मैं सचिन डॉट जावा रखता? क्या यह संभव है इस प्रोग्राम का नाम मैं सचिन डॉट जावा रखता? बिल्कुल संभव है। अब बताइए जो बाइट कोड्स बनते वो किस नाम पे बनते? अब बताइए बाइट कोड्स बनते वो किस नाम पे बनते? वो बनते अभी भी टेस्ट के नाम पे, वो सचिन के नाम पे नहीं बनते। तो बाइट कोड का नाम प्रोग्राम के नाम पे नहीं बनता, बाइट कोड का नाम क्लास के नाम पे बनता है। तो अगर क्लास का नाम टेस्ट है तो बाइट कोड का नाम पड़ेगा टेस्ट डॉट क्लास। ये बात अच्छे से दिमाग में फिट करना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। जब जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं डॉट क्लास नाम की फाइल बनती है। क्या होता है डॉट क्लास में? आपके प्रोग्राम का बाइट कोड होता है। अगर आपको लग रहा है सर क्या हम इसे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो बाइट कोड है और मैंने आपको डे वन से कहा है बाइट कोड नॉन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, वो हमारे लिए नहीं है। वो किसको समझ में आता है? हु अंडरस्टैंड्स बाइट कोड? जेवीएम अंडरस्टैंड्स बाइट कोड, राइट? तो जो बाइट कोड फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है और उनका नाम प्रोग्राम के नाम पे नहीं, उनका नाम जावा रखती है क्लास के नाम पे, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट सुमित, आपके सवाल का जवाब तीसरे पॉइंट में है। अब आता है तीसरा पॉइंट, तो पहले मैं सेकेंड पॉइंट लिख दूं। द नेम ऑफ द बाइट कोड फाइल, द नेम ऑफ द डॉट क्लास फाइल और बाइट कोड फाइल इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ने जिस नाम से क्लास बनाई है उस नाम से बाइट कोड फाइल बनी। अब अगला सवाल सुनिए, क्या यह पॉसिबल है एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेस बनाई जाएं? जल्दी बोलिए, पॉसिबल है, राइट? जैसे मैं प्रोग्राम एक बनाऊं और उसमें क्लास तीन बनाऊं, क्या यह संभव है कि संभव नहीं है? संभव है। अब आप सोचिए कंपाइलर कितनी डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा? एक के तीन। कंपाइलर कितनी डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा? एक नहीं करेगा, तीन करेगा। आपने सुना ही नहीं गौर से, डॉट क्लास फाइल का नाम आपकी क्लास के नाम पे होता है ना? डॉट क्लास फाइल का नाम आपकी क्लास के नाम पे होता है ना? तो अगर आपने तीन क्लासेस बनाई हैं, तो डॉट क्लास फाइल्स कितनी बनेंगी? डॉट क्लास फाइल्स भी तीन बनेंगी। यानी थर्ड पॉइंट हमारा है नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस, टू द नंबर ऑफ क्लासेस डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, राइट? नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। कहने का मेरा मतलब यह है, अगर मान लीजिए मैंने जावा में प्रोग्राम बनाया, ध्यान दीजिए, प्रोग्राम के अंदर मैंने तीन क्लासेस बनाई, प्लीज वॉच केयरफुली। एक क्लास का नाम मैंने रखा कॉलेज, एक क्लास का नाम मैंने रखा फैकल्टी और एक क्लास का नाम मैंने रखा स्टूडेंट। बताइए ये तीनों अलग अलग क्लासेस हैं कि ये एक क्लास है? तीनों अलग अलग क्लासेस हैं। कितने बाइट कोड्स बनेंगे जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे आप? तो तीन बाइट कोड्स बनेंगे, राइट? क्या होंगे इन तीन बाइट कोड्स के नाम? एक का नाम होगा कॉलेज डॉट क्लास, एक का नाम होगा कॉलेज डॉट क्लास, राइट? कैसा फायदा आकाश? अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग फाइल क्या क्यों बनती है ये पूछ रहे हैं।
इसका फायदा यह है कि जिसकी जरूरत है फिर उसे ही मेमोरी में लोड करती है जावा, जिस क्लास की जरूरत होगी उसी को मेमोरी में लोड करेगी। सबको उठाकर एक ही बाइट कोड फाइल में रख देती तो जबरदस्ती पूरी फाइल लोड होती, राइट? सो कॉलेज डॉट क्लास, सेकेंड फैकल्टी डॉट क्लास, एंड थर्ड स्टूडेंट डॉट क्लास। बताइए ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, और इसी पॉइंट से कनेक्टेड है ये बात कि लोग प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम क्यों रखते हैं। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया उसमें 15 क्लासेस रखी तो डॉट क्लास फाइल्स कितनी बनेंगी? सबका बाइट कोड बनता है आकाश, सबका बाइट कोड बनता है, वेरी गुड। तो अगर मेरे प्रोग्राम में 15 क्लासेस हैं तो याद रखिएगा जावा 15 बाइट कोड फाइल्स मेरे लिए क्रिएट करने का काम करेगी। जावा मेरे लिए 15 डॉट क्लास फाइल्स बनाएगी। समझ आ रहा है? तो आप बताइए हमारे प्रोग्राम में कितनी बनेंगी, हमारे प्रोग्राम में कितनी डॉट क्लास बनेंगी? एक ही बनेगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में एक ही क्लास है जिसका नाम है टेस्ट। तो मैं आगे लिख दे रहा हूं, इन आवर कोड वी विल हैव जस्ट 1 डॉट क्लास फाइल क्रिएटेड called as test dot class। ठीक है, अब अगला डाउट ये आता है कि हमारे प्रोग्राम में एक क्लास है कि तीन क्लासेस हैं? बताइए हमारे प्रोग्राम में एक क्लास है कि तीन है? क्या स्ट्रिंग और सिस्टम क्लासेस नहीं है? है ना, तो क्या इनका बाइट कोड कंपाइलर नहीं बनाएगा अगर स्ट्रिंग और सिस्टम क्लासेस हैं? तो नहीं बनाएगा। याद रखिए ये आपने नहीं बनाई है, दे आर प्री डिफाइंड क्लासेस। और इनका बाइट कोड कहां पड़ा है? इनका बाइट कोड कहां पड़ा है? जावा डॉट लैंग में पड़ा है। इनका बाइट कोड पड़ा हुआ है, रखा हुआ है जावा डॉट लैंग में। इसलिए मैंने थ्योरी में लिखा भी है, आपने नहीं ध्यान दिया हो तो दोबारा ध्यान दीजिए, मैंने साफ साफ लिखा है डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर and string and system are not defined by us, they are predefined। तो ये सोचना गलत है कि हमारे पास predefined classes भी तो हैं, उनके byte code भी तो बनेंगे। बनेंगे नहीं, बन चुके हैं। समझ आया? उनके byte codes पहले से बन चुके हैं। बिल्कुल अमन, class का नाम class रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और Java में already इस नाम की class है तो आपको उसकी क्लैशिंग नहीं करनी चाहिए। दोनों अभी मेन तक पहुंचे ही कहां है? सुमित, मेन की बात ही किसने करी है? अभी मैंने मेन का नाम कहां लिया इस पूरी कहानी में? योगेश, बाइट कोड इन इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज, जस्ट लाइक वी हैव पाइथन, जस्ट लाइक वी हैव सी लैंग्वेज, सिमिलरली वी हैव बाइट कोड लैंग्वेज। जैसे असेंबली लैंग्वेज होती है, मशीन कोड लैंग्वेज होती है, ऐसे बाइट कोड लैंग्वेज होती है। नाउ योगेश, यू टेल मी हु अंडरस्टैंड्स असेंबली लैंग्वेज? असेंबलर। हु अंडरस्टैंड्स मशीन कोड लैंग्वेज? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली हु अंडरस्टैंड्स बाइट कोड लैंग्वेज? JVM। सो बाइट कोड इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज, वो खुद कोई लैंग्वेज अलग लैंग्वेज नहीं है, वो खुद ही एक लैंग्वेज है, राइट? बस वो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो मैं और आप सीख सकते हैं, वो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वाली लैंग्वेज है जो कंपाइलर जनरेट करता है और JVM के समझ में आती है। यस यस, पाइथन की अपनी बाइट कोड लैंग्वेज होगी, इट्स नॉट दैट के वो बाइट कोड जावा के बाइट कोड जैसा होगा, बिकॉज पाइथन कंपाइलर एंड जावा कंपाइलर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर। गॉट इट? सो बाइट कोड टर्म इज कॉमन, इंटरनल इंस्ट्रक्शंस माइट बी डिफरेंट, राइट? यस यस सुमित, सब कर सकते हैं आराम से आराम से। अभी मल्टीपल फाइल बनी कहां है? अभी तो एक ही फाइल बनी है ना। नहीं कर सकते भरत, जो बाइट कोड जावा का कंपाइलर जनरेट करता है उसे जावा बेस्ड JVM ही डीकोड करेगा।
या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो JVM के गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया गया हो। आ रहा है समझ में? द वे कंपाइलर जेनरेट्स बाइट कोड, उसका इंटरप्रिटेशन वही सॉफ्टवेयर कर सकता है जो उन गाइडलाइंस को फॉलो करे जो जावा के JVM के लिए लिखी गई है। अब अगर कोई सॉफ्टवेयर, कोई कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकती है, मोस्ट वेलकम। हो गया क्लियर? मतलब आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है, हम JVM बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं हम JVM, प्रोवाइडेड हम वो गाइडलाइंस फॉलो करें। बनाया है क्या किसी ने? भरत, बनाया है क्या किसी ने? हाँ, Amazon ने बनाया है, Red Hat ने बनाया है। आप आज से साल भर पहले, 6 महीने पहले, जावा खाली Oracle का प्रोडक्ट नहीं रह गई है। अब जावा Amazon से भी डाउनलोड हो सकती है, जावा Red Hat से भी डाउनलोड हो सकती है। तो उन लोगों ने भी अपने JVMs बना रखे हैं। आई बात समझ में भरत आपको? तो हम जो JVM यूज कर रहे हैं वो किसने बनाया है? हम जो JVM यूज कर रहे हैं वो किसने बनाया है? Oracle ने बनाया है। बट देर इज एनदर सेटअप ऑफ जावा जो Oracle की साइट के अलावा Amazon से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं और से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे बोलते हैं OpenJDK, उसे बोलते हैं OpenJDK। और हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं Oracle's JDK। तो JDK भी दो फ्लेवर्स में है, वन क्रिएटेड बाय Oracle, अदर क्रिएटेड बाय डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। हुआ क्लियर? JVM इज अ सॉफ्टवेयर योगेश, हाउ कैन यू से JVM इज नॉट अ सॉफ्टवेयर? JVM इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर, और JVM की कोडिंग C++ में लिखी गई है। हाँ भरत, ओपन JDK फ्री है। ओके 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 ओके, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया होगा। JVM इफ नॉट इज अ सॉफ्टवेयर, राइट राइट, नो प्रॉब्लम्स। तो JVM सॉफ्टवेयर है, और JVM ओरिजिनली C में बना था, फिलहाल C++ में बनता है। 2006 के बाद से जावा का जो इंटरनल JDK का सेट है पूरा, वो C++ लैंग्वेज में डिजाइन करा गया है। ओके, शैल आई प्रोसीड नाउ? राइट, तो चलिए, थ्योरी क्लियर हुई सबको? समझ में आया कंपाइलेशन की थ्योरी?